हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाइथन कोडिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग जानेंगे कि दो वैल्यूओं को गुणा कैसे कराते हैं। जरा देखें स्क्रीन के ऊपर। तो पहले मैं आपको प्रोग्राम रन करा के दिखाता हूं कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका। तो जैसे मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर लिख के आया इंटर फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पर आप कोई वैल्यू डालें, जैसे मैंने 10 डाल दी। फिर आपको लिख के आया इंटर सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे मैंने 25 डाल दी और इंटर किया तो आंसर आ गया 250। 10 और 25 का इंटू करेंगे तो 250 आना भी था। ओके, तो अब देखिए ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है वैल्यू वन। ओके, वो वैल्यू वन आपको ये वेरिएबल नजर आ रहा है। तो इस वेरिएबल में मुझे एक वैल्यू रिसीव करनी है जो वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। ओके, तो ये जो वैल्यू पास करी गई है इंटीजर टाइप की वैल्यू है और यहाँ पे 10 वैल्यू हमें रिसीव हो गई। वैल्यू इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग किया गया है और यहाँ पे मैसेज कैसे, यूजर को कैसे पता चले कि यहाँ पे क्या टाइप करना है, तो उसके लिए इंटर फर्स्ट वैल्यू लिखा हुआ है ताकि यूजर देख के जान ले कि यहाँ पे उसे कोई वैल्यू पास करनी है। ओके, फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है, इसका नाम है वैल्यू टू। ये जो वैल्यू टू वेरिएबल है, इस वैल्यू टू में अगेन मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास कराई है जो इनपुट फंक्शन के वजह से हमारी वैल्यू टू तक पहुंच रही है। यहाँ पे मैंने वैल्यू टू एक नया वेरिएबल लिया है और इसमें भी एक इंटीजर वैल्यू पास की है। ये वैल्यू टू में वैल्यू इनपुट फंक्शन की वजह से आ रही है और जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर टाइप की है, ये 25 इंटीजर वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैं 25.5 भी लिख देता तो भी इंटीजर में 25 ही पहुंचता, क्योंकि इंटीजर का रूल होता है कि वो पॉइंट वैल्यू को छोड़ देता है और इंटीजर वैल्यू को ले लेता है। तो वैल्यू टू में हमारे पास जो वैल्यू रिसीव हुई वो है 25। ओके, तो हमारे पास दो वैल्यू दो वेरिएबल में रिसीव हो गई, एक में वैल्यू वन 10 है, एक में वैल्यू टू है जो 25 है। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो उसको कराने के लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल ले ले रहा हूँ, इसका नाम मैंने रिजल्ट मान लिया है। ये नाम आप कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल और लिया और यहाँ पे लिखा है वैल्यू वन इंटू वैल्यू टू। वैल्यू वन की वैल्यू 10 है, वैल्यू टू की वैल्यू 25 है, दोनों का इंटू होके रिजल्ट वेरिएबल में पहुंच जाएगा तो आंसर आया 250। यहाँ पे समझिएगा 250 हमारे रिजल्ट में रिसीव हो गया है लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ है। तो प्रिंट कराने के लिए पाइथन में प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर फंक्शन आपको जानना है, फंक्शन कैसे कहते हैं, तो अभी इनिशियल आप ये समझ लीजिए, जब भी आपको किसी भी नाम के आगे ये ब्रैकेट्स नजर आए तो आप उसे फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, तो ये सब फंक्शन ही है जिनका प्रयोग करके हम कोडिंग करते हैं। ओके, बाकी जो फंक्शन है इस पे पूरी क्लास आपको बाद में मिलेगी, अभी हमारा स्टार्टिंग वीडियो 3rd वीडियो है, इसी को आप समझे। तो यहाँ पे हमें 10 और 25 इंटू करके 250 रिसीव हो गया है। अब जो 250 रिसीव हुआ है इसे मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए फंक्शन लिखा प्रिंट, फिर रिजल्ट। तो प्रिंट रिजल्ट अगर सिर्फ सीधे लिखते तो आंसर आ जाता 250, लेकिन ये 250 है क्या ये यूजर को समझ में आए, इसलिए उसके आगे आंसर इक्वल लिख दिया है, तो आंसर इक्वल लिख के आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे लिख देंगे माई रिजल्ट एज तो यहाँ पे माई रिजल्ट एज लिख के आ जाएगा। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मैसेज आप पास करेंगे वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा रिजल्ट में इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी फिलहाल मैं इसका रिजल्ट दोबारा आपको चेक करा के दिखाता हूँ। तो मैंने रन करा, फिर से मुझसे बोल रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास की 12, सेकंड वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 5 पास करी। अब आप जानते हैं 12 × 5 करेंगे तो 60 आएगा और 60 आपका आंसर हो गया। ओके, तो आप जानते हैं 12 और 5 का इंटू करेंगे तो आंसर 60 आएगा, तो वो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 60 आंसर आ गया, मीन्स हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। तो हुर्रे, आपको मजा आया है तो इस वीडियो को प्रमोट करें और इसके पहले वाले वीडियो भी आप लोग देख लें। थैंक यू वेरी मच।